आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो मेरे भाई और बहनों, आपने इससे पहले की दो वीडियोस देख ली होंगी जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि इस 2022 के अंदर हमें अपनी प्रार्थना में सिर्फ अपने पर्सनल समय, पर्सनल बात के लिए, पर्सनल उन्नति के लिए, अपनी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए, अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के लिए, खुद के जीवन में बड़े रिवाइवल को लाने के लिए हमें किन किन बातों को प्रार्थना में रखना ज़रूरी है, अपने खुद की पर्सनल प्रार्थना में। तो सबसे पहला जो आपको बताया था वीडियो में, अभी लास्ट की जो दो वीडियोज़ है, अगर आपने नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। सबसे पहला आपको जो बताया था वो था भय मानना। प्रभु मुझे तेरा भय मानना सिखा। देखो, हर एक बात को इन दो से तीन शब्दों को परमेश्वर ने बहुत गहराई से खोल कर बताया है। अगर आप गहराई से जानना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना, प्रभु का आत्मा आपकी परिस्थितियों से, आपकी कंडीशन सिचुएशन से, आपकी हालातों से बात करेगा कि आपके अंदर किस बात की कमी है और आप क्या करना चाहते हो, किस कारण नहीं कर पा रहे, समस्या क्या है और क्यों उठ नहीं पा रहे हो, क्यों कमियां रह रही थी और क्यों बार बार गिर रहे थे और क्यों आप मतलब हर बात को लेकर, किसी बात को लेकर आप क्यों मतलब डिस्करेज होते हो, क्यों मोटिवेट नहीं हो पाते, क्यों संभाल नहीं पाते, क्यों मजबूत नहीं हो पाते, क्यों बार बार गिर जाते हो, क्यों बार बार अनाज्ञाकारिता होती है, क्यों बार बार पाप होता है, क्यों बार बार शैतान फटकता है, क्यों बार बार शैतान के काम होते हैं, क्यों बार बार हमसे अनाज्ञाकारिता होती है, उन बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रभु की आत्मा ने बहुत कुछ बुलवाया है। देखो, पहला शब्द आपको बताया था, फिर से ध्यान से समझना, हमें अपनी पर्सनल प्रार्थना में ये शब्द ज़रूर रखना है कि प्रभु मुझे तेरा डर मानना सिखा, मुझे अपने भय से भर, मुझे अपने डर से भर, पहला शब्द ये, ठीक है। और इसको क्यों बोला है, ये सारी बातें आपको उस वीडियो में बताई गई, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट की जो दो वीडियो अपलोड हुई हैं कल और परसों की, ठीक है। सबसे पहला शब्द है प्रभु मुझे तेरा भय मानना सिखा, मुझे अपने डर से भर दे, पहला शब्द। दूसरा, आप इस शब्द को अपनी खुद की प्रार्थना में रख सकते हो अपने लिए कि प्रभु मुझे अपने समान नम्र और दीन बना, मुझे अपने समान नम्र और दीन कर, मुझे अपने समान नम्रता और दीनता से भर, ठीक है। नम्रता और दीनता शब्द अपने लिए आप प्रार्थना में ज़रूर मांगना, क्योंकि हम सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लेते हैं लेकिन हम अपने लिए पर्सनल प्रेयर्स में जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो मांगना ही छोड़ देते हैं। जब हमारे सामने समस्या आती है फिर उन्हीं चीज़ों की कमी के कारण है ना, इन्हीं चीज़ों की कमी के कारण है ना हम फटका खाते थे या गिरते थे या नुकसान उठाते थे या आंसुओं में होते थे या खुदा से दूर होते थे या कलेशों में पड़ते थे या परीक्षाओं में फंसते थे या परीक्षाओं में खींचे चले जाते थे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये जड़ें हैं और नम्रता और दीनता के द्वारा तो एक इंसान कितना सामर्थ्य, एक ईश्वरीयत्व जीवन जी सकता है, इस बारे में आप जान सकते हो। अभी जो कल की जो वीडियो है उसमें बताया गया नम्रता और दीनता के बारे में कि अपनी पर्सनल प्रेयर में हमें नम्रता और दीनता प्रभु से मांगनी चाहिए। लेकिन जो जो हम प्रभु से मांग रहे हैं ये सब चीज़ें शैतान भी सुनता है, तो शैतान इन चीज़ों को पूरा होने नहीं देता है। वो अपने अपने काम को, अपनी शैतानी योजनाओं को पूरा करने के लिए वो पूरा अपना 100% देता है, हालांकि एक विश्वासी पूरा नहीं दे पाता अपना काम। समझने की कोशिश करना, शैतान एक विश्वासी को फटकाने के लिए, गिराने के लिए, अटकाने के लिए पूरा अपना 100% एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि भाई मैं इसको नम्र और दीन नहीं बनने दूंगा, मैं इसको परमेश्वर के डर में नहीं चलने दूंगा, वरना इसको बुराई में लपेट दूंगा, बुराई में फंसा दूंगा, बुराई में डाल दूंगा। शैतान अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है, किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, किसी के भी द्वारा, चाहे घर का मेंबर हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कलीसिया का हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। तो इन बातों को खासकर आपको याद रखना जब भी आप इन बातों के लिए प्रार्थना में रखते हो कि प्रभु मुझे अपने डर से भर और प्रभु मुझे अपनी नम्रता दीनता से भर। और जो तीसरा शब्द आपको जो बताया जाएगा, अगर ये शब्द नहीं है ना पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के अंदर, अगर ये शब्द नहीं है पूरी पवित्र बाइबल अधूरी है, अधूरी। ध्यान रखना, उद्धार, उद्धार का आधार क्या है, उद्धार हमें कैसे मिलता है, उद्धार की जड़ क्या है, उद्धार की जड़ है प्रेम। ध्यान से समझना, ये जो तीसरा शब्द आपको बताया जाने वाला है अभी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेम। अगर पवित्र बाइबल के अंदर अगर प्रेम नहीं है ना तो पूरी पवित्र बाइबल बिल्कुल बिल्कुल समझ लो कुछ नहीं है उसके अंदर, अगर प्रेम नहीं है तो। क्योंकि हर एक पन्ने के अंदर अगर आप जाओ तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के डर की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, क्षमा की बातें हैं, अनुग्रह की बातें हैं, परमेश्वर के भय की बातें हैं, आज्ञा की बातें हैं, किसी की रक्षा की बातें हैं, सुरक्षा की बातें हैं। इन सब चीज़ों के पीछे परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है। अगर प्रभु किसी की रक्षा कर रहा है तो प्रेम करता है, अगर किसी को प्रभु बचा रहा है तो प्रेम करता है, अगर किसी को मृत्यु के फंदे से प्रभु ने छुड़ाया तो प्रेम वहां पर प्रभु का नजर आ रहा है, अगर प्रभु ने किसी को मरते मरते बचाया तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, किसी को बंधनों से आजाद किया तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, किसी को आशीष दी है तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, किसी को बार बार क्षमा कर रहा है तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, अगर प्रभु किसी को अपने पास बुला रहा है तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, और कोई रो रहा और पीट रहा है तो उसके ऊपर प्रभु जब दया कर रहा है तो प्रभु का प्रेम नजर आ रहा है, प्रभु किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर रहा तो भी प्रेम नजर आ रहा है प्रभु का, और प्रभु बार बार क्षमा कर रहा है, अपराधों को ढांप रहा है तो भी परमेश्वर का प्रेम नजर आता है।
इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही परमेश्वर प्रेम है। आज प्रभु यही तो कहता है, अपने सारे तन मन धन बल बुद्धि और आत्मा और अपने प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, उसी को दंडवत कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आज हम प्रभु से तो प्रेम करते हैं लेकिन उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते। हमारा पड़ोसी चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे जिसको हम जानते हैं चाहे या जिसको नहीं जानते, पड़ोसी की तो बात दूर है। जब हम अपने घर के खून के रिश्तेदारों से ही अच्छे से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो बाहर वालों से प्रेम क्या करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तू हत्यारा है और किसी हत्यारे में प्रभु के द्वारा अनंत जीवन नहीं है। आज प्रभु तुझसे बात करना चाहते हैं। आज तो अपने आप को जांचना और परखना जरूरी है। आज ये प्रेम का आईना आज हमारे सबके सामने है। आज हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है, कितनी कड़वाहट से भरे हैं, कितनी नम्रता से भरे हैं, कितने क्रोध से भरे हैं, कितने ईर्ष्या से भरे हैं, कितने ढा से भरे हैं, कितनी ढिठाई से भरे हैं, कितनी नामाफी की बातों से भरे हैं। आज पता चलेगा आज इस वचन के द्वारा, क्योंकि प्रेम हमें क्या दर्शाता है। देखो प्रेम, अगर प्रेम के जितने भी अब हम शब्द देखें ना, प्रेम के हर एक शब्द के अंदर हमें किसी ना किसी बलिदान का मतलब अनुभव होता है। देखो अगर हम प्रेम लिखेंगे कागज पे, अगर आप प्रेम लिखोगे ना तो अगर या लिखा हुआ प्रेम भी देखोगे तो उसमें पा के नीचे एक हल्का सा एक मात्रा है, वो एक शब्द था लेकिन उसको काट रखा है। देखो उसमें भी कटिंग है, पा से प्रेम है ना, प्रेम में भी आधा रा देखे तो कटा हुआ है, ठीक है, और प्यार में आधा पा कटा हुआ है और प्रीति में उसमें भी आधा रा कटा हुआ है और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे प्रेम से रिलेटेड शब्द हैं। आप हर एक शब्द को देख सकते हो, किसी ना किसी शब्द में हर एक वर्ड को देखोगे ना ध्यान से तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कटिंग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रभु में यही दिखाता है। अगर हम क्रूस को देखें, अगर क्रूस को देखें तो क्रूस पर भी कटिंग है। वो टी का निशान नहीं है, वो क्रूस है, वो एक आई था। आई का मतलब मैं का मतलब घमंड। लेकिन जब यीशु मसीह उस पर टंग गया तो यीशु मसीह ने उस आई को काट दिया अपने हाथों को चौड़ा करके, और प्रभु ने कहा कि क्षमा करो, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने क्षमा मांग कर दिखाई कि कैसे मांगनी है। अब तुम घमंड करना बंद करो, माफी मांगो, नम्र बनो, दीन बनो, और अपनी मैं को मारना जरूरी है। देखो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और पिता परमेश्वर की संतान होने के बाद भी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक होने के बाद भी वो स्वर्गीय सिंहासन पर जो विराजमान होता है, वो सोचो इतना दीन हो गया कि मनुष्य की समानता में होकर धरती पर आया और उसने आंसू बहा बहा कर, आहें भर भर कर, रो रो कर पिता से प्रार्थना करी, और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और देह में रहने के बाद भी उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया और शैतान के स्वर को कुचला। उसने अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, उसने आंख के बदले आंख नहीं की, उसने झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, उसने क्रोध के बदले क्रोध नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी। अगर हम चाहें तो बढ़ सकते हैं, पूरी पवित्र शास्त्र में कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं मिल सकता जिसमें यीशु ने गलती करी हो। यहाँ तक कि शास्त्री और फरीसी, कोई भी व्यक्ति उस यीशु को कोई भी दोषी ठहरा नहीं सका था। यीशु मसीह की तो कोई जान भी नहीं ले सकता था, वरन यीशु मसीह ने साफ कहा है कि मुझे अपने प्राण देने का अधिकार है और प्राण लेने का अधिकार है। इसी तरीके से अगर हम जाने, यीशु मसीह ने अपने प्राण खुद त्यागे थे, क्रूस पर अपने प्राण खुद दिए थे। यीशु मसीह खुद उनके वश में गया था, यीशु मसीह पकड़ा नहीं गया था, यीशु मसीह खुद उनके वश में गया था। लो इनको जाने दो, तुम मुझे ढूंढने आए हो ना, तुम मुझे पकड़ो, मेरे चेलों को जाने दो। यीशु मसीह चाहता तो 12 पलटनों को भेजकर अपने पिता से बोलकर 12 पलटनों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा सबकी सबको नाश कर सकता था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नाश किया? क्योंकि यीशु के अंदर आज वो प्रेम था। आज अगर कोई भाई किसी के भाई के चाटा मार देना तो पूरी पलटन खड़ी जाएगी बदला लेने के लिए। आज कोई पति किसी पत्नी के चाटा मार देना तो पत्नी घर पर भागेगी अपने। आज प्रेम नहीं है और हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं। आज एक पति की पत्नी अगर बीच में अगर किसी की हल्की फुल्की लड़ाई हो भी गई तो पत्नी ढोल बजा देगी अपने पति की बेइज्जती करने के लिए। हाय ये पति ऐसा, वो पति ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसने मुझे मारा, अपने पूरे मायके ससुराल वालों में पूरा ढोल बजा देगी, गली मोहल्ले में ढोल बजा देगी कि मेरा पति ऐसा है। लेकिन प्रेम क्या करता है? प्रेम अपराधों को ढांपता है। कितने हम लोगों के अपराधों को ढांपते हैं, कितने लोगों को क्षमा करते हैं? आज तक हमने कितने लोगों के गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ा? अगर हम गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं, बुराइयों को खोजते हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम देखो क्षमा करता है। हमने कितने लोगों को क्षमा किया, आज हमसे क्षमा नहीं करा जाता है। आज सामने हल्का सा कोई गलत क्या बोल दे, हमसे सहन नहीं होता है। अगर सहन नहीं हो रहा तो प्रेम नहीं है। और प्रभु ने कहा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। अब क्षमा तो जब ही करेंगे जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा।
पति वचन को नहीं जानता है लेकिन पत्नी तो जानती है। जो वचन को जानता है अगर वही प्रेम दिखा लो, जो नहीं जानते वचन को, अब वो प्रेम कहाँ से दिखाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है वचन के बारे में। हम तो वचन को जानते हैं, हमारा फर्ज बनता है प्रभु के प्रेम को प्रकट करना, प्रभु के प्रेम को दिखाना। और बाद में कहते हैं कि मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरी सास नहीं बदल रही, मेरी बहू नहीं बदल रही, मेरा बेटा नहीं बदल रहा, मेरा जवाई नहीं बदल रहा, मेरा देवर नहीं बदल रहा। अरे बदलेगा कैसे जब हम खुद ही नहीं बदल रहे हैं, दूसरों को कैसे बदल सकते हैं? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आज प्यार की कमी है। आज हमारे व्यवहार को देखकर सामने वाला अपने व्यवहार को बदल सकता है और बदलेगा भी। यीशु मसीह सबको बोलते नहीं फिरा कि प्रेम करो, वरन उसने प्रेम को प्रकट करा, प्रेम करके भी दिखाया। और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा प्रेम को प्रकट किया, ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते चढ़ते भी सबको माफ किया। आज हम कितनों को माफ करते हैं? आज हम कितने लोगों को माफ करते हैं? आज हमारे अंदर कितने लोगों के लिए गुस्से की भावना है, बदले की भावना भरी हुई है, आज हम जानते हैं। आज हमारे मन में ऐसी बातें, ऐसे विचार है कि उसका मुंह नहीं देखूंगी, उसको ब्लॉक कर दूंगी, उसके साथ ब्लॉक कर दूंगा, उससे तो बदला लूंगा, उसकी भी बेइज्जती करूंगा, उसके साथ तो ऐसा व्यवहार करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, यार उसके साथ खाना नहीं खाना, उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं जाना। जहां पर ऐसी उसकी, जहां पर विरोधी वाली बातें आएगी, कड़वाहट की बातें आएगी, नामाफी की बातें आएगी, वहां पर प्रेम नहीं है। वी आर नॉट क्रिश्चियन। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि चर्च जा रहे हैं, रात प्रार्थना कर रहे हैं, दान दस वैसे दे रहे हैं तो प्रभु हमारे ग्रहण करेगा। नहीं, प्रभु साफ कह रहा है, प्रभु तो पहाड़ी उपदेश में शुरुआत की, बाइबल की मती की पहली शुरुआत में कह चुका है प्रभु कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, इससे पहले कि ज्यादा देर हो, जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, झटपट मेल मिलाप कर। और तेरे भाई के मन में जो तेरे प्रति कोई विरोध है, या तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विरोध है, उसको निकाल, मेल मिलाप कर, और एक दूसरे के अपराधों को प्रेम के कारण ढाप दे। क्षमा कर तो तुझे क्षमा मिलेगी, अगर क्षमा मिलेगी तो ही आशीष आएगी, तो ही प्रभु ग्रहण करेगा आपकी भेंट को। यह आपके हाथ में है। फिर मत कहना कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, थे लंबे समय से, सालों से, महीनों से मैं प्रार्थना कर रही, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा कैसे जब नामाफी की कड़वाहट को हमने दीवार बनाकर रखा है अपनी प्रार्थनाओं के आगे, क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा ना करने की कड़वाहट की एक दीवार बनाकर खड़ी कर रखी है हमने, अपने लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी से प्रेम करने की तो बात बहुत दूर है, हम पड़ोसियों की बुराई करने में कमी नहीं दिखाते हैं, अपने घर वालों की चुगली करने में कमी नहीं दिखाते हैं, तैयार रहते हैं हम झटपट किसी को जवाब देने में, झटपट क्रोध करने में, झट किसी को उल्टा उत्तर देने में तैयार रहते हैं। कहाँ है प्रेम? आज हम बोलते कि मैं मसीह हूँ, हम मसीह नहीं है। मसीह कौन है? मसा किया गया, भेजा गया, पवित्र किया गया। क्या आज हम सच में पवित्र किए गए हैं? हम होठों से तो प्रभु का आदर करते हैं, यीशु मैं तेरे लहू से धुली हुई हूँ, तेरे लहू से धुला हुआ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटी हूँ, और प्रभु तू मेरा प्रभु है। हम बोलने से ही नहीं हो जाता सब कुछ, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म करके भी दिखाना है को प्रेम। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है। आपको मालूम है कि नया साल आप लोगों ने देखा प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु ने आपको मुर्दों में नहीं आने दिया, ना मुझे आने दिया, ना मेरे परिवार को। सोचना इस बात को, आप जब बर्थडे मनाते हो, और कभी भी आपने बर्थडे मनाया, तो क्या आपने पवित्र आत्मा का स्वागत किया है? प्रेम यहाँ प्रकट हो जाता है। याद रखना इस बात को, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदा बाप आपके बर्थडे को बनाने के लिए लोगों को खड़ा करता है, आपको सही सलामत रखता है, आपके बर्थडे का केक कटवाता है, लेकिन खुदा बाहर खड़ा रहता है। हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं? पूछो एक बार अपने आप से। आपको याद होगा 2021 का एक आखिरी दिन 31 दिसंबर, बैठ गए होंगे, कुछ भी खा रहे पी रहे होंगे, अरेंजमेंट कर रहे होंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, वट एवर कुछ भी करेंगे, चलो प्रार्थना कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो, वेरी गुड, कुछ लोग हैं। लेकिन क्या हमने यीशु मसीह को बोला हैप्पी न्यू ईयर? क्या हमने होली स्पिरिट का स्वागत किया? शुक्रिया तो हम करते हैं, क्या हम स्वागत करते हैं प्रभु का? क्या हमने बोला हैप्पी न्यू ईयर? क्या हम बोलते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, अपने सबको हमने झटझट से मैसेज कर दिए होंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ 12 बजते के साथ ही टपाटप टपाटप। क्या हमने खुदा से बोला हैप्पी न्यू ईयर, प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा स्वागत है, आइए प्रभु? क्या बर्थडे में बुलाया? क्या बर्थडे बनाया खुदा का? देखो ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, प्रभु ने इन बातों को लेकर मुझसे भी बातें की हैं, और मुझे अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया है कि मैं उससे सही से प्रेम करूं, तरीके से प्रेम करूं, एक निस्वार्थ भाव से प्रेम करूं, कुछ इच्छा रखने की, मतलब कुछ पाने की इच्छा से प्रेम ना रखूं, क्योंकि प्रेम बलिदान को दर्शाता है, प्रेम हमेशा देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। आज किस प्रकार का प्यार संसार के अंदर चल रहा है कि उसकी गाड़ी मिल जाए, उसका बंगला मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए, उसकी रोटी मिल जाए, उसकी छोकरी मिल जाए, उसका टीवी बीवी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्या किस प्रकार का प्रेम चल रहा है आज इंसान के जिंदगी में? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, आज खुदा का वचन हमारे अंदर नहीं है, इसी वजह से हमारे अंदर इस प्रकार का स्वार्थीपन वाला प्रेम झलकता है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। किसी की हेल्थ देखकर हमें अच्छा लगता है, किसी की वेल्थ देखकर हम बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, इसके पास धन बहुत है, या किसी की पर्सनैलिटी देखकर मोहित हो जाते हैं,
मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं हम, इसका ये चाहिए उसका वो चाहिए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हम दूसरों को देने की इच्छा क्या रखते हैं? हम खुदा से हमेशा मांगते ही रहते हैं, क्या हमने कभी पूछा खुदा तेरी इच्छा क्या है, आज मैं तेरे लिए क्या करूं? एक बार सोचो कहां गए वो शब्द। यही शब्द हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए कह सकते हैं, अपने लोगों के लिए कह सकते हैं, अपने अजीजों के लिए कहते होंगे कि क्या चाहिए, कुछ लाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है। क्या हमने कभी खुदा से पूछा कि प्रभु आज तेरी इच्छा क्या है, आज मैं क्या करूं, आज कहां जाऊं, तू मुझे बता आज प्रभु तू क्या चाहता है? भले ही हमने पूछ लिया, भले ही हमने करा नहीं, क्या हमने पूछा प्रभु तेरी इच्छा क्या है मुझे बता? क्या हम बैठे प्रभु मुझे बता, प्रभु ने अगर बताई भी तो क्या हमने करने की कोशिश की? देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, लेकिन हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत करना जरूरी है, शुरुआत करना जरूरी है। ये तरीके हैं प्यार करने के। हमने देखा होगा कितने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मतलब फोन पे लगे रहने वाली बातें सुबह से लेकर शाम तक, पता नहीं किस किस प्रकार की कैसी कैसी बातें होती हैं, लेकिन लगे रहते हैं फोन पर, है ना। कभी कुछ खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जागना सोना, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। क्या अपने खुदा से मिलने के लिए आज हमारे पास समय है? जैसे ही लॉकडाउन हुआ, खुदा के भवन में आने के लिए तरसना शुरू हो गए। जैसे लॉकडाउन खुला तो अपने अपने कामों में इतना कई बार हम बिजी हो गए कि खुदा के लिए समय नहीं है। अपने दोस्तों में समय देना, अपने लाइफ रिलेटिव रिलेशंस में इतना हमने समय देना शुरू कर दिया। रिलेटिव और अपने रिलेशंस में हमने इतना समय देना शुरू किया, क्या हमने खुदा को समय दिया? प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि अपने परिवार वालों को समय मत दो, लेकिन क्या हम अपने प्रभु का समय प्रभु को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? कहां गया प्रभु का समय, कहां गया आज प्रभु का समय? प्रभु कहता है तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु का वचन ये भी कहता है तुम मुझे हे पिता क्यों कहकर बुलाते हो? यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है? मेरा भय मानने वाला कहाँ है? मुझसे प्रेम करने वाला कहाँ है? कहाँ है आज? खो गए हैं आज इस संसार में। जब ही तो प्रभु कहता है आज मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। क्यों? क्योंकि खुदा प्रेम करता है। आज फिर भी संसार की तरफ से हमें हमेशा ठोकर मिलती थी, लेकिन फिर भी आंसू मिलते थे, समस्याओं में पड़ते थे, सारे दरवाजे बंद होते थे, लेकिन फिर भी हम एंड में खुदा के पास ही आते हैं। और बाद में भी जब हमें सब कुछ ठीक चल रहा था तो खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। जब समस्या दुख तकलीफ परेशानियां घटी में पड़ते हैं ना आंसू में, तो जब हमें खुदा याद आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बाहें खुलाकर बैठा रहता है। तभी तो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब ही तो है इसका प्रेम। अगर प्रेम शब्द बाइबल में नहीं है ना तो बाइबल फीकी है। इसीलिए प्रभु चाहता है आज तेरे अंदर कितना प्यार भरा है। प्रभु कहता है जिस समय तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। आज प्रभु में पुकारता है कि मेरे विश्राम दिन का पालन कर। आज प्रभु में बोलता है कि मेरी संगति में मुझसे बात कर, मेरी आराधना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे उन्नति करना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूँ। मैं तो तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, क्योंकि तू तो पबजी खेल रहा है। कोई बीवी में लगा हुआ है, कोई टीवी में लगा हुआ है, कोई कुछ में, कोई हंसी मजाक के जोक्स में, कोई फालतू की फोटोज वीडियोस एल्बम्स को देखने में घंटों तक निकाल रहा है, लेकिन खुदा बाहर खड़ा हुआ है। और लास्ट में जब घुटने टिकते, जब समस्याएं आती, नाक में नली लगी रहती, जब याद आता है खुदा कहाँ है। बुरा मत मानना, साफ बोलना, सुखी रहना परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन आज ये बातें हमें सिखा रही हैं। खुदा दरवाजे पर खटखटाता है, इससे पहले कि कुछ गलत हो। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं और प्रभु के पास वापस लौट आएं। हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे हुई हैं, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। प्रभु हमें मौका दे रहा है प्रभु हमें कि बच, पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास वापस लौटा और पहले के समान प्रेम कर। आज इस शब्द की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ही को नहीं वरन मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैं भी बिगेस्ट फेलियर हूँ। परमेश्वर ने मुझे उठाया है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हर रोज मुझसे गलतियां हुई हैं। मुझे मेरा प्रभु संभालता है, सिखाता है, मजबूत करता है। हालांकि मैं गिरा, लेकिन प्रभु ने संभाला। मैं इच्छा रखता हूँ प्रभु में मुझे बदल, मैं बदलना चाहता हूँ और मेरा प्रभु मुझे दिन ब दिन बदल रहा है। वो बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वही मेरी आशा और विश्वास का परमेश्वर है। वो मेरी आशा को कभी नहीं टूटने देगा। लेकिन आप भी उस पर आशा रखो, लेकिन कोशिश तो करो, यत्न तो करो, यत्न करते जाओ। देखो प्रेम एक ऐसा उत्तम मार्ग है जिसके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे उत्तम प्रेम है प्रेम, और प्रेम परमेश्वर है, और परमेश्वर यीशु है, यीशु परमेश्वर है। ध्यान रखना, जिसमें प्रेम नहीं उसमें यीशु नहीं, और जिसमें यीशु नहीं वो पिता के पास नहीं जा सकता। आज हमें प्रेम मांगने की इसलिए जरूरत है क्योंकि देखो प्रेम एक ऐसी ताकत है। मैं कह रहा हूँ पूरी पवित्र शास्त्र खोज कर देख लो, कोई ऐसा वरदान आपको नहीं मिल सकता, कोई भी ऐसा वरदान नहीं मिल सकता जो वरदान प्रेम से बढ़कर काम कर सके।
कोई भी ऐसा वरदान नहीं मिल सकता जो वरदान प्रेम से बढ़कर काम कर सके। कोई ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता किसी ऐसे बड़े वरदान के द्वारा जो प्रेम से बढ़कर हो। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखो, वरदान एक टाइम पर है ना लिमिटेड वर्क करते हैं, लिमिटेड वर्क कर सकते हैं वरदान। एक समय पर वो थोड़ा स्थिर हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, या रुक सकते हैं, या कम हो सकते हैं, या उनकी भी एक हद हो सकती है। लेकिन 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 ध्यान रखना कि प्रेम एक ऐसा वरदान है, प्रेम एक ऐसा गिफ्ट है, प्रेम एक ऐसी परमेश्वर की ओर से ऐसा अनुग्रह, बहुत कुछ मतलब इस शब्द के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। प्रेम एक ऐसा हमारे लिए उपहार है, ऐसी ब्लेसिंग है, एक हमारे लिए जीवन है। प्रेम हमारी सांसें हैं, प्रेम वो है। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, शॉर्ट में समझना इस बात को। बाइबल में वचन में बता रखा है कि उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को चंगाई का वरदान, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को सामर्थ्य के काम, उसी एक आत्मा के द्वारा, किस आत्मा के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सारे वरदानों की बात हो रही है, लेकिन इससे भी उत्तम एक है जो सबसे बड़े बड़े काम कर सकता है, वो है प्रेम। ध्यान रखना, प्रेम, प्रेम और प्रेम। देखो, यीशु मसीह रोया था। यीशु मसीह क्यों रोया? यीशु मसीह के अंदर प्रेम था। लिखा है यीशु रोया, और जैसे ही यीशु रोया, यीशु मसीह ने चार दिन की मुर्दा सड़ी लाश को जिंदा कर दिया। किसके खातिर? प्रेम करने के खातिर। वहां पर यीशु मसीह ने वरदान का इस्तेमाल किया। सोच कर देखो एक बार आप इस बात को। यीशु मसीह का वहां पर प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम उस मृत्यु पर, प्रेम यीशु की दया उस मृत्यु पर इतनी फलवंत हुई कि वो मृत्यु जिंदगी में बदल गई। उस प्रेम के द्वारा दया उत्पन्न हुई, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उस प्रेम के द्वारा यीशु मसीह के अंदर वो दया उत्पन्न हुई कि यीशु मसीह ने खुद कह दिया, अब मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, तू मत रो। मार्था ने कहा था कि प्रभु वो जी उठेगा, मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु रोया, उसी समय यीशु की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू पुनरुत्थान की बात करती है, चल छोड़, आज ही से देख पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अब देख मैं उसको जिंदा करूँ, कहाँ है, लेकर चल मुझे, मैं प्यार करता हूँ तुझसे। विधवा के बेटे को देखा यीशु मसीह ने, किसके खातिर? क्या किसी वरदान से जिलाया यीशु मसीह ने उसके बेटे को? प्यार करने के खातिर। लिखा यीशु को उस पर दया आई। दया किस में आती? जिसमें प्रेम होता है। समझने की कोशिश करना इस बात को। जो चमत्कार प्रेम कर सकता है ना, वो वरदान नहीं कर सकते हैं। मैं वरदान को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर प्रेम ना रखो तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम वचन पढ़ें तो साफ लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल, रंजनाती हुई जांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और मैं सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक मुझे पूरा विश्वास हो जाए कि मैं बड़े बड़े पहाड़ों को उठा दूं या बड़े बड़े काम कर लूं, परंतु मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि देखो, प्रेम सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। ये नीचा या बराबर नहीं है, प्रेम सबसे उत्तम है। अगर हम पढ़ें गलातियों 5:22 में लिखा है शायद कि आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा है वहां पर, लिखा है आत्मा का फल। सबसे पहला फल आत्मा का कौन सा है? वो है प्रेम, प्रेम। और अगर हम पढ़ें प्रेम क्या है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। अब देखना, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है ना, अगर आपको लगता है कि आप प्रेम से भरे हुए, तो ये सारे गुण आपके अंदर नजर आएंगे। लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी फूलता नहीं मतलब घमंड नहीं करता, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता मतलब अनाज्ञाकारिता नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता वरन दूसरों की भलाई चाहता है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, छोटी छोटी बातों में मुंह नहीं बनाता, जिसके अंदर प्रेम है वो बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रभु यहाँ पर कह रहा है ये वो वाले प्रेम की बात नहीं हो रही है जो शारीरिक संबंध है। प्रभु कह रहा है कि ये वो प्रेम है जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी भले ही बातों की खातिर। लिखा है कुकर्म, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, प्रेम सब बातें सह लेता है। हमसे कितना सहा जा रहा है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। आज हम कितनी बातों की प्रतीति करते हैं, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। हम कितना धीरज धर रहे हैं, कितनी बातों की हम आशा रख रहे हैं, क्या हमारे अंदर प्रेम है? प्रभु साफ कह रहा है, देखो प्रभु ने यहाँ पर एक साफ बता दिया, अगर हम पढ़ें प्रेम धीरज बनते हैं। आज हम कितना धीरज धर रहे हैं, हर कुछ चीज हमें उतावली में चाहिए। प्रेम कृपालु है, आज हम कितनी कृपा कर रहे हैं दूसरे पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव रिलेशंस पर कितनी कृपा कर रहे हैं। अगर प्रेम है तो ही कृपा कर पाएंगे, नहीं तो किसी की शक्ल भी नहीं देखना राजी है।
ये सच्चाई है, ये सच्चाई यहां प्रकट होती है। प्रेम कभी ढा नहीं करता, मतलब ढा मतलब ढिटाई, कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐड कर नहीं बैठेगा। प्रेम हमेशा नम्र बनेगा, ठीक है जी आपने जैसा कह दिया वैसा करने के लिए तैयार है, कोशिश रहेगी हमारी वचन के अनुसार। वो भी प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता मेरे भाई और बहनों। प्रेम के गुण क्या है? जिसके अंदर प्रेम है ना, देखो ये भी होगा, आनंद होगा उसके अंदर प्रभु का, उसके अंदर शांति होगी जिसके अंदर प्रेम है, धीरज होगा उसके अंदर, कृपा करेगा सदा, और भलाई होगी, विश्वास होगा मजबूत परमेश्वर के वचन के प्रति, नम्रता होगी, प्रेम नम्रता को लेकर आता है, और संयम होगा मतलब शारीरिक सब बातों पर, शारीरिक सब अंगों पर संयम होगा मतलब कंट्रोल होगा। अगर हम जाने प्रेम कभी टलता नहीं है, एक टाइम पे भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी सामर्थ्य, कितना भी बढ़िया ज्ञान हो, सब के सब मिट जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। मतलब मेरे भाई और बहनों, प्रभु बताना चाहता है कि आज हमारे अंदर कितनी कमी थी प्रेम की। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर से प्रेम उमड़ उमड़ कर निकलता है, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया है जहाँ गलती होती है प्रभु चाहता है क्षमा मांग कर माफ करके आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो हमारा फर्ज बनता है सामने वाले के अपराधों को क्षमा करना। ये नहीं कि चलो चल मैं तुझे माफ नहीं कर रहा, मुझसे मत बात कर, इसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, मैं तेरा मुंह नहीं देखना, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी, मुझे तेरे साथ खाना नहीं खाना, मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, वो ऐसा है वो वैसी है, तू ऐसी है वो वैसा है, वो ऐसे बोलती है वो वैसे बोलती है। जहां पर हल्की सी ऐसी झड़क पिड़क वाली बातें आ गई, ध्यान रखना वहां प्रेम नहीं है। जो लोग प्रभु के वचन को जानते नहीं है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो जानते हैं अगर वो भी ऐसे काम कर रहे हैं तो हम किसकी इज्जत को गिरा रहे हैं? वचन की इज्जत को गिरा रहे हैं, यीशु की इज्जत को नीचे गिरा रहे हैं, और हम फिर खुदा से क्या प्रतिफल पालेंगे जब खुदा के नाम को ही नीचे गिरा रहे हैं ऐसे काम करके, ऐसी हरकतें करके। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में, संसार का सदृश ना बनो वरन तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु इसीलिए कह रहा है चाल चलन बदलने के लिए, क्योंकि खुदा को पता है हमने विश्वास तो कर लिया है, विश्वास करने के बाद कहीं हम संसार के समान काम करें, फिर से लड़ाई दंगों में लगे रहें, फिर से नामाफी की बातें, कड़वाहट, ढा, जलन, मतवालापन, ईर्ष्या रखें, या नामाफी की बातें रखें, या अपने मन में किसी के प्रति बैर रखें, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है संसार का सदृश ना बनो। तुमने मुझ पर विश्वास तो कर लिया है, लेकिन अपने अंदर से ये सब प्रकार की बुराइयां तो निकालो। प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम को अपने अंदर लो। आज प्रेम ना होने के कारण बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए हैं। प्रेम ना होने के कारण मतलब क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है तो क्षमा भी नहीं है, अगर प्रेम होता तो क्षमा होती। समझ रहे इस बात को? ये कनेक्टेड वर्ड है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। अगर प्रेम है तो दया होगी, अगर प्रेम है तो माफ़ी मांगेंगे, प्रेम है तो क्षमा करेंगे भी। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु से प्रेम करने की खातिर उसकी बात को भी मानेंगे, अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो दूसरे के आगे झुकेंगे भी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा अगर मैं प्रभु से प्रेम करता तो सामने वाले के सामने प्रभु मेरे को झुकने के लिए कह रहा तो मैं जरूर झुकूंगा। क्यों? ताकि मेरे खुदा का नाम ऊंचा हो, ताकि उसके गुण प्रकट हो। क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने साफ कहा है, तुम मुझे अपना स्वामी और गुरु कहते हो, हाँ मैं हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए इसी प्रकार से तुम भी किया करो। जब मैंने अपने आप को नम्र और दीन बना लिया, क्रूस की मृत्यु भी सहली, तो तुम भी अपने आप को मेरे समान नम्र और दीन करो, तो मेरा पिता तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज मेरे भाई मेरी बहन, आज प्यार, किस प्रकार के प्यार की बात हो रही है? देखो हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। एक अच्छे व्यक्ति के लिए मरने की बात अलग है, लेकिन एक पापी इंसान के लिए जिसने कभी जाना ही नहीं, जिसने हमारे प्रेम की कदर ही नहीं करी, उस इंसान के लिए मरना कोई छोटी बात नहीं है। सोचो, लिखा है जब हम उसको जानते भी नहीं थे तब वो जगत में आया और हम पाप में लिप्त थे, जब वो हमारे लिए मर गया और जी भी उठा ताकि हम अनंत जीवन पाएं उस पर विश्वास करके, और आज हम कर क्या रहे हैं? आज हमें जांचना है। अगर आज हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की कोई कड़वाहट है तो कोई फायदा नहीं है प्रार्थना और आराधना करने का, इससे बढ़िया आराम से बैठ जाओ। सच्चाई है, अगर हम क्षमा मांग कर क्षमा करते हैं, अगर नम्र बनते हैं, अगर नई शुरुआत करते हैं, तो हमारी प्रार्थना आराधना करने का फायदा है, बेनिफिट है, खुदा खुश होगा, खुदा ग्रहण करेगा, हमारी जिंदगी के साथ साथ दूसरे जिंदगी के दूसरे लोगों की जिंदगी में काम होगा। आज प्रेम वचन को जानने वाले लोगों के बारे में सुनना ध्यान से, जो लोग वचन को जानते हैं क्या उनकी जिंदगी में
क्या सच में प्रेम है? ये बात हम सभी के लिए कोई परफेक्ट नहीं है, देखो मेरे लिए भी है। क्या सच में मेरे अंदर प्रेम है? आप अपने आप से पूछो कि क्या कभी मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध में कोई ऐसी बात सोची है कि मेरा बाप ऐसा ही है तो ऐसा ही करता है, मेरी माँ ऐसी है तो ऐसी करती है, मैं नहीं रहूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये तो उसकी चुगली करूँगा यार, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, इसके साथ वैसा होना चाहिए, या मेरा पास्टर तो ऐसा है, या वो विश्वासी है ही ऐसी, या उसकी चुगली करे यार वो ना, पता है वो तो बहुत गलत बोलती है, या मेरा पास्टर ना मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, या मेरा पास्टर ऐसे करता है वैसे करता है, अरे मेरा पास्टर तो ये है, अरे वो विश्वास, उसके घर तो मुझे कभी नहीं जाना, अरे उस पास्टर से मेरे को दुआ नहीं करानी, वो पास्टर तो मेरे को ही पकड़ के रखता है, अरे वो तो मेरे पीछे पड़ी रहती मेरी बहन, अरे मेरे पड़ोस में तो ये ऐसे ही होता, अरे ये तो ऐसे ही करता है, ये आदमी तो पीता ही है। ये सब काम है ना संसार की बातों को प्रकट करते हैं, हमारे यीशु की बातों को नहीं। ध्यान से समझना इन बातों को, प्रकट होता है हमारे गुण क्या है, हमारे सद्गुणों से प्रकट होता है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें क्षमा मिलेगी। आज इंसान बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहा है, बड़े बड़े पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप का इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है, माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, बाप की मार मार कर हालत खराब कर दी है, और पत्नी से प्रेम नहीं कर रहा है, दुनिया भर के पूजा पाठ कर रहा है, पत्नी को मार मार के सुझा दिया है, और पत्नी भी पति को इतनी बुराई, इतनी निकम्मी और निंदा कर करके पति की बेइज्जती करती है, और पति के अपने पति का ढोल अपने अपने मायके ससुराल वालों के सामने बजा रही कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वो करता है, चुगलियां करते फिर रहे एक दूसरे की, किससे प्रेम कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, अपने लिए गड्ढे खोदने वाली बात है। हम सोच रहे कि सामने वाला मुझे एडवाइस देगा, सामने वाला, अरे सामने वाले को ये बताने का कारण क्या है, समझना। शैतान चाहता है कि चुगलियां हो, बुराई हो, एक दूसरे की बुराई सुनी जाए। लिखा है पवित्र तंबू में, स्वर्ग में कौन जाएगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, किसी की बुराई करता भी नहीं। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, वो बुराइयां करवाने के लिए मुंह को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो। इसीलिए शैतान की यही तो सबसे बड़ी चाल होती है कि घर के ढोल बाहर बजे, ताकि सामने वाला हाथ सेके और दूसरे लोग बुराई करें, और सुनने करने वाले दोनों फंसे और कड़वाहट फैले, और ऐसी जलन और ऐसी नामाफी की बातें उत्पन्न हो, ताकि एक मन एक आत्मा कभी हो ही ना पाए, कभी प्रेम कर ही ना पाए, जिससे कि इनके जिंदगी में आशीष आए। अगर आज आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो ना, तो ध्यान रखना तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रेम की कमी है। अगर आप खुदा के साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे, तो आज भी प्रेम की कमी है। अगर आप दिल से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भी प्रेम की कमी है। अगर आप माफी नहीं मांग पा रहे हो ना किसी के आगे, तो भी प्रेम की थोड़ी सी कमी है, समझना इस बात को। अगर आप मतलब किसी के साथ गलत बर्ताव करते हो, झट क्रोध करते हो, बुराइयां करते हो, दोष लगाते हो, कमियां निकालते हो, तो प्रेम की कमी है, समझना इस बात को। अगर आप सोचो ना ये मेरे दिल का टुकड़ा है, नहीं नहीं, कितना कैसा भी मेरा पति, कैसा भी मेरा बच्चा, नहीं नहीं, इसकी बुराई नहीं करनी, प्रेम के खातिर आप उसके अपराधों को ढांपोगे, क्योंकि प्रेम ढांपना सिखाता है। हमारे यीशु क्या करता है, अगर यीशु मसीह अगर अपने चश्मे से इसी समय अगर आपको देखने लग जाए या मुझे देखने लग जाए ना, तो आज हम जिंदा नहीं रह सकते। लिखा है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है, जैसी तू मन में सोचे वैसी तू है। सोचो हम किस किस प्रकार के सोचे मन विचार में लेकर आते हैं, और कैसे कैसे खुदा हमें बचाता है, क्षमा करता है। वो चाहे तो अपने उस सच्चे न्याय के चश्मे से देखकर हमें तुरंत आग में डाल सकता है, लेकिन वो हमें दया करता है। हमारे अंदर उस कोरे पेपर के अंदर एक काला सा बिंदु लगाते हैं ना, अगर किसी से पूछो कोरे पेपर के अंदर एक काला बिंदु लगा दिया आपको पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सामने वाला यही बोलेगा कि उसको बिंदु दिखाई दे रहा है, काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है कोरे पेपर पे। लेकिन यीशु क्या देखता है, यीशु बिंदु को नहीं देखता है, यीशु कोरेपन को देखता है। क्या आपकी और मेरे अंदर की बुराइयों को नहीं देखता है यीशु, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है ना, और हम दूसरों के अंदर बुराइयां खोजते हैं, मेरा पति पीता है, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा मास्टर ऐसा है, मेरा विश्वासी ऐसा है, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा टीचर प्रीचर इवेंजलिस्ट पोस्टल प्रॉफिट ये ऐसे हैं वैसे। हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, क्या हम सिद्ध हैं, क्या हम सिद्ध हैं कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं, क्या हम उस जिस बात में हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्या उस मामले में हम परफेक्ट हैं? हमें पहले यह जांचना जरूरी है। देखो अगर हम प्रेम करते हैं तो हम ढांपेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, प्रेम करते हैं तो चुगलियां बंद, प्रेम करते हैं तो अपने मन में से इसी समय कड़वाहट निकालेंगे, प्रेम करते हैं तो प्रेम का कटिबंध बांधेंगे, गड़े मुर्दे कभी नहीं उखाड़ेंगे, प्रेम करते हैं तो क्षमा करेंगे, प्रेम करते हैं नई शुरुआत करेंगे, प्रेम करते हैं ना तो चुपचाप सहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर से प्रेम करने की खातिर, हमसे प्रेम करने की खातिर मनुष्य की ताड़नाओं को सहा, ताकि वो प्रेम जो यीशु ने हमसे किया वो सिद्ध हो, ताकि देखा जाए, ताकि जब हम उसको देखें उस प्रेम को देखकर सीखें। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम मुझसे और अब एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए वैसे तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो।
मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु चाहता है आज हम प्रेम करें। प्रेम आज जभी तो इस शब्द की जरूरत है। आज हम रोटी, कपड़ा, नौकरी, बिजनेस सब कुछ मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आज हम शायद हमारे जुबान से ये प्रार्थना अपने लिए नहीं निकलती कि प्रभु मुझे अपने पवित्र प्रेम से भर। मेरे अंदर आज प्रेम की कमी है, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर। प्रेम ना होने के कारण हम खुदा के साथ सही से नहीं चल पाते हैं। प्रेम ना होने के कारण पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल पा रहा है। प्रेम ना होने के कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। प्रेम ना होने के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। प्रेम ना होने के कारण सामने वाला छुटकारा नहीं पा पा रहा है। प्रेम ना होने के कारण हमारे पति, हमारे बच्चे, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव रिलेशन नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ना होने के कारण हमारा व्यवहार गलत है, हमसे सहन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो हम क्षमा भी नहीं कर सकते। प्रेम नहीं है तो हम झुक भी नहीं सकते। प्रेम नहीं है तो हम दया भी नहीं कर सकते। प्रेम नहीं है तो चुप भी नहीं रह सकते। ये सब चीज प्रेम से कनेक्टेड है। प्रेम धीरज बनता है, प्रेम कृपा नहीं करता। प्रेम अगर हम जाने पुराने चमत्कारों को देखें तो परमेश्वर ने मूसा और इसराइलियों से प्रेम करने की खातिर क्या किया, देखो सुनना। अगर आप चाहो तो उत्पत्ति में पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने बहुत प्यार किया मनुष्य से, और लिखा है परमेश्वर मनुष्य को, जब उसने मनुष्य को बनाया तो कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हुआ। पिता परमेश्वर आता था किसके खातिर? प्रेम के खातिर, क्योंकि उसने अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया था। लेकिन आदम और हवा ने पिता को धोखा दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। फिर भी परमेश्वर रोया। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें तो प्रभु वहां पर रोता है। लिखा है मैं तुम्हारे कारण अकेले में बैठकर रोऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रेम करता हूं ना मैं। रोऊंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द होता है नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम्हें, जो दर्द मुझे होता है वो तुम्हें एहसास होता है, तुम्हें महसूस होता है नहीं होता। तुम शायद अपने दर्द को लेकर बैठते हो। मुझे नहीं मालूम है कि तुम मेरे दर्द को समझते हो नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे खातिर अकेले में बैठकर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच्चा न्यायी हूँ। मुझे पता है तुम्हारी अनाज्ञाकारिता करने के कारण तुम्हारी जिंदगी में क्या समस्या आ रही है। इसी कारण मैं रहूंगा, इसी कारण मैं रहूंगा, इसी कारण मैं रहूंगा। प्रभु कहता है अगर हम जाने कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया था इसराइलियों से, जब मिस्रियों ने इसराइलियों पर बहुत खतरनाक अत्याचार किया था, किसने बचाया? परमेश्वर यहोवा ने। लिखा है कि मेरी नजर में, मेरी आंखों के सामने इसराइलियों की चिल्लाहट मेरे कानों में सुनाई दी है, मैंने उनकी रोने पीटने को देखा है। इसलिए मैं दया, परमेश्वर ने इतनी खतरनाक दया उन पर करी, परमेश्वर वहां सुनकर उनकी उतर आया। सोचो, मिस्रियों की सुनकर नहीं, परमेश्वर इसराइलियों की दुहाई को सुनकर आया, उतर कर आ गया स्वर्ग से। और परमेश्वर मूसा के आगे आगे चलता था किस खातिर? प्रेम के खातिर। परमेश्वर इसराइलियों की अगुवाई करता था किस खातिर? प्रेम के खातिर। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया किस खातिर? कि मेरे इसराइली बचा लिए जाए। वहां पर वरदान काम नहीं करा, ध्यान रखना, वहां पर प्रेम की सामर्थ काम कर रही थी। ये प्रेम एक ऐसी सामर्थ है, अगर किसी को कोई वरदान भी नहीं मिला है ना, अगर प्रेम अद्भुत और सामर्थ है, अगर प्रेम है आपके अंदर भरपूरी से, अगर आप सच में यीशु का प्रेम आपके अंदर परिपूर्णता से पूर्ण है, भरा हुआ है, तो आपको किसी वरदान की भी जरूरत नहीं है। चाहे आप मानो या ना मानो, आपके मानने से बाइबल की सच्चाई नहीं बदल सकती है। समझना इस बात को। एलिया के टाइम पर कौन सा वरदान था? वरदान के बारे में तो अब हम पढ़ते हैं, वरदान के बारे में कुरंथियों में अब हम पढ़ते हैं कि किसी को चंगाई का वरदान, किसी को छुटकारे का वरदान, किसी को विश्वास का वरदान उसी एक आत्मा के द्वारा, किसी को अन्य भाषा का वरदान उसी एक आत्मा के द्वारा, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य काम करने का वरदान। पुराने नियम में कौन से वरदानों के बारे में हमने पढ़ा कि परमेश्वर वरदानों को उतारता है? पुराने नियम में परमेश्वर का प्रेम प्रभु के लोगों में इतना भरपूरी से कूट कूट कर भरा हुआ था कि सोचो, जब उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने आंसुओं के साथ दिल से दुआ करी तो किसी की उम्र 15 साल बढ़ गई, कोई मुर्दा जी उठा, कोई धरती को फाड़ दिया गया, कई समुद्र दो भाग कर दिया, कभी स्वर्ग से आग गिरा दी प्रेम करने के खातिर। ये ऐसे नहीं हो गया। किस किस के पास कौन कौन सा वरदान था? अगर आप चाहो तो पढ़कर देखना एलिया के पास कौन सा वरदान था। एलिया इतना प्यार करता था परमेश्वर, जब मैं बैठने पढ़ता हूँ ना वो भर जाता हूँ। बर्ताव कर रहा है, मेरे परमेश्वर मैं ये नहीं सहन कर सकता। इससे पहले देख, मैं तो साफ कहता हूँ मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, तू मेरे प्राणों को ले ले, मैं नहीं रह सकता ये। अब परमेश्वर, अब मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उस दुख को नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता तेरी वेदी को जो ढाया जा रहा है, तू मेरे प्राणों को ले ले, मैं नहीं देख सकता। बस दाऊद ने कहा, दाऊद की भी बहुत सारी ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातें हैं। अगर आप उन चीज़ों को डीपली पढ़ोगे ना, गहराई से, वो एक एक दो दो शब्द कुछ ऐसे हैं जो आत्मा को रुला देते हैं, छेद देते हैं, आर पार छेद देते हैं, तब पता चलेगा कि सच में कि खुदा के लोग, वो जो पुराने नियम में थे, कितना प्यार करते थे। उनकी जिंदगी में से जो परमेश्वर का प्रेम बहता था ना,
उसी प्रेम के द्वारा, उस प्रेम की सामर्थ के द्वारा चमत्कार होते थे। हालांकि पवित्र आत्मा उनके साथ था, उस समय उनके अंदर नहीं था, अंदर तो अब आया जब नया नियम, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जब हमने उस पर विश्वास किया है। समझना, प्रेम की सामर्थ बहुत सोचो समझ से परे है। अगर हम यहेजकेल के बारे में जाने, यहेजकेल परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। अगर हम जाने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में, कितना प्यार करते थे। यिर्मयाह ने कह दिया कि हे परमेश्वर, काश मेरी आंखें मेरा दिमाग समुद्र होता, कि मैं तेरे इन लोगों के लिए रोता रहता, ताकि तू इन पर दया करता। रोने के लिए कह रहा, क्यों? क्योंकि रोना दिखाता है पश्चाताप को, कि मेरे लोगों ने गलतियां की, मैं इनके लिए रोता, कि तू उनकी गलतियों का भुगतान इनको ना कर, वरन तू उनकी गलतियों के लिए इनको क्षमा कर। प्रेम के खातिर, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो स्वर्ग को धरती पर लेकर आ सकता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो गड़े मुर्दों को उखाड़ सकता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो मिट्टी से नई जिंदगी को बनाने की सामर्थ रखता है, राख से नई जिंदगी को लिखने की सामर्थ रखता है। वो शब्द है प्रेम। जब यीशु मसीह एक स्त्री आई यीशु मसीह के सामने, वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। यीशु मसीह उस समय क्या लिख रहा था? बहुत कुछ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर इसका प्रकाशन देखो प्रभु ही जानता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम बलिदान को दर्शाता है। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि प्रेम किया। और उसी प्रेम की सामर्थ के द्वारा जिन लोगों ने पत्थरों को उठाया था, उन लोगों के हृदय छिद गए। उस वरदानों से नहीं छिदे, सिर्फ शब्द से, उस सामर्थ से जो यीशु के मुंह से निकली, जो यीशु के अंतरात्मा से निकली, उस प्रेम के द्वारा वो अभिषेक बहने लगा। ये एक आत्मिक बात है, जब आप करोगे तब आप इस चीज को महसूस कर पाओगे। अगर हम देखें पुराने नियम में, एलिया ने विधवा के बेटे को देखा, वहां पर एलिया के पास कौन सा वरदान था? अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काली का एलिया के चैप्टर में कोई वरदान मिला था, एलिया को भी परमेश्वर ने वरदान दिया। एलिया परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, एलिया का रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ इतना अच्छा था। अगर हम जाने हनोक के बारे में पढ़ सकते हैं, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना, सोचो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब सोचो, परमेश्वर को प्रसन्न हनोक ने कैसे किया होगा कि वो जिंदा उठा लिया गया परमेश्वर के पास? प्रभु ने कहा है, मैं बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता, मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। मतलब हनोक और एलिया ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हनोक की परमेश्वर ने गवाही दी, यीशु की परमेश्वर ने गवाही दी, और एलिया को तो परमेश्वर ने यूं जिंदा आकाश में उठा लिया। मेरे भाई और बहनों, अग्निमय रथ और घोड़ों के द्वारा, किस चीज के कारण? वरदान काम नहीं आए थे वहां पर, वरदान इसके नहीं बोला, ये वाली बात नहीं बोली कि एलिया के पास ये वरदान है, हनोक के पास ये वरदान है, यीशु मसीह के पास ये वरदान है, इसी वरदान के खातिर मैं इसको उठा रहा हूं। नहीं, प्रेम। यीशु मसीह, परमेश्वर ने आकाश को फाड़कर क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, प्रिय, प्रेम करता हूं मैं इससे, प्रेम, प्रिय है मेरा, प्रिय है। प्रेम के खातिर परमेश्वर ने दोबारा उसकी गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रेम के खातिर, ये सब कुछ प्रेम के खातिर हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हम जाने पुराने नियम, अगर नए नियम में अगर हम देखें, परमेश्वर ने कलीसिया को भी चेतावनियां दी हैं। उसमें से कलीसिया को कहा है कि देख, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब हम खुदा के पास आते हैं ना, तुम्हें बहुत प्यार होता है, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चर्च आऊंगा, रेगुलर पढ़ूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति प्रशंसा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अंधश्रेय से दूंगा, टाइट और ऑफरिंग्स दूंगा, आगे का पालन करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना करूंगा, दूसरों के लिए जीवन जीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रभु तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। शुरुआत में पहला सा प्रेम कितना अच्छा लगता है, धीरे धीरे करके इतने ठंडे गुनगुने बन जाते हैं, फिर अपने पहले प्रेम के स्थान पर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने रोटी को, अपने कपड़े को, अपने मकान को, अपने नौकरी को, बिजनेस को, टीवी को, बीवी को, या कुछ भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, उसको अपने मन की कुर्सी पर पहला स्थान देते हैं खुदा को छोड़कर। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह गवाही देनी है, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए उठ खड़ा हो, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इसलिए पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। प्रभु नहीं चाहता कि किसी की दीवट को हटाए, प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु चेतावनी दे रहा था उस कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में। आज प्रभु यही तो कहता है, आज हमारे अंदर प्रेम की कमी है, जबी तो हम झटपट क्रोध करते हैं, प्रेम की कमी है, जबी तो हम झटपट झुंझला जाते हैं, प्रेम की कमी है, जबी तो हमारे काम बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी होने के कारण है ना, रिश्ते बिगड़ते हैं, माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, दया नहीं करते, एक दूसरे के अपराध को ढांपते नहीं है,
एक दूसरे की तेरी मेरी एक दूसरे की बुराई करने के लिए हमारे शब्द तैयार रहते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, भली बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे शब्द तैयार नहीं है। किस चीज की कमी है? आज प्रेम की कमी है। प्रेम देने का नाम है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम कभी किसी से इच्छा नहीं रखता कि मुझे वो रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, इज्जत देगा, नौकरी देगा, टीवी देगा, सब देगा। प्रेम कभी ये इच्छा नहीं रखेगा कि मुझे सामने से कुछ मिलेगा। प्रेम ये इच्छा रखेगा कि मैं अपनी तरफ से सामने वाले को क्या दूं कि सामने वाला खुश हो जाए। ये होता है प्रेम। अगर हम यीशु को देखें तो यीशु ने हमेशा सब कुछ दिया, लिया नहीं। 5 रोटी 2 मछलियों की बात थी, इतने लोगों को खिलाना था। यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। ये नहीं कहा कि तुम अपने पैसे लेकर आओ, तुम अपने पैसे लेकर आओ, चलो भट्टी तैयार करो या सबसे पैसा लेकर आओ। नहीं, यीशु मसीह ने जो उसके पास था वरन अपनी तरफ से दिया, अपनी देह को भी दे दिया। यीशु ने अपनी देह को दे दिया हम सभी के लिए, अपनी जान तलक दे दी। और क्या इससे ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है? सोचो, अपनी जान से ज़्यादा कि किसी की जान से ज़्यादा कि कुछ कीमती हो सकता है? यीशु ने अपनी जान दे दी, और हम जैसे पापियों के खातिर हमने उसको जाना भी नहीं था अच्छे से। और वो जब वो हमारे लिए आया और मर गया, जी उठा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम जाने कि उसने हमारे लिए जान दी है। जान नरक हमें जाना था, जान मृत्यु हमें भोगनी थी, दंड हमें भोगना था, लेकिन हमारे बदले सब कुछ बुरा और गलत और दंड और नरक सब कुछ यीशु ने सहा, और हमें अनंत काल का जीवन यीशु ने दिया। किस खातिर? प्रेम के खातिर। आज हमें जांचना है, आज हमें प्रेम की जरूरत है। इसलिए प्रभु से इस तीसरे शब्द को जरूर मांगना अपनी प्रार्थना में। सबसे पहला कि प्रभु मुझे तेरे डर से भर, तेरा पवित्र डर दे। और दूसरा, प्रभु मुझे तेरे समान नम्र और दीन बना। तीसरा, प्रभु मुझे अपने पवित्र प्रेम से भर। प्रभु मुझे अपने पवित्र प्रेम से भर। प्रभु मुझे अपने पवित्र प्रेम से भर। और इन प्रार्थनाओं को करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये बात दो जने सुनते, एक तो परमेश्वर, दूसरा शैतान। जब आप प्रार्थना करके हटो तो इन शब्दों को मत भूलना। शैतान कुछ भी परिस्थिति आपके सामने डाल सकता है कि आपकी प्रार्थना का विषय खराब कराए, या तो आपसे गुस्सा करवाए, या आपसे क्रोध करवाए, या आपकी दीनता नम्रता खत्म करवाए, या खराब करवाए, या आपसे प्रेम ना करवाए, या फिर आपको कुड़कुड़वाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे आप प्रार्थना करके हटो तो बस पूरे दिन इस चीज़ को खासकर इन चीज़ों को संभाल कर रखना कि आपसे, आपके मुंह से कोई निंदा की चुगली, कोई ऐसी बुरी कटु बात ना निकलने पर जिससे किसी का दिल दुखे या वचन टूटे। ठीक है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विरोध में थी, लेकिन याद रखना इस चीज को कि खुदा आपके साथ में है। ठीक है, चाहे अपने सताए, चाहे अपने दिल दुखाए, चाहे अपने छोड़ जाए, सिर्फ यीशु को याद रखना। आज बस अपने आप को जांचना है कि आज हमारे मन में मेरे भाई के प्रति, मेरी बहन के प्रति, मेरे माता पिता, बच्चे, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, रिलेशंस, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर, पीचर्स, किसी के भी विरुद्ध में अगर मेरे मन में कोई बुरी बात है या किसी के प्रति मैं कड़वाहट भर के बैठा था, आज वो निकालनी है। जब आप प्रार्थना करो तो दिल से पहले क्षमा मांगना प्रभु से, और उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगना। और अगर मौका मिल रहा तो अपनी तरफ से कोशिश करना कि उनको एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज सेंड करो, सॉरी का मैसेज सेंड करो। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिस्से का काम करो और आगे बढ़ो। अपने हिस्से की आशीष आपको मिल जाएगी, प्रभु आपको आपके हिस्से की आशीष देगा और आपकी ब्लेसिंग्स खुलेंगी। क्योंकि माफ़ करने की बहुत बड़ी आशीष है, इतनी बड़ी आशीष शायद बोलने से शायद मुश्किल मिल पाए, लेकिन जितनी बड़ी आशीष माफ़ करने की है ना, ये छोटी बात नहीं है। कई लोगों ने माफ़ करने के खातिर पवित्र आत्मा का दान पाया है, और जब पवित्र आत्मा का दान एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आ गया ना, तो ध्यान रखना माफ़ करने की आशीष इतनी बड़ी है कि आज तक उनको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। ये सच्ची गवाही है। माफ़ करना सिर्फ एक शब्द, सॉरी, झुकना, अपनी तरफ से बेस्ट करके देना। अगर आपका शत्रु था तो अपनी तरफ से बेस्ट उसको करके दो, एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करना है, वो प्रेम होता है। कहने का मतलब, अगर आपका पति आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है तो उसको कुछ अच्छा बना कर दो, भले ही उसका रिवॉर्ड चाहे आपको पति तो देगा ही नहीं, आपकी पत्नी तो देगी नहीं, मैं दूंगा नहीं, ना मेरे को मेरी पत्नी देगी, ना मैं मेरी पत्नी को दूंगा। रिवॉर्ड हमें देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु है। ये सोच कर करो कि प्रभु मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने सास, अपने बहू, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तूने ऐसा कहा है प्रभु, तूने सिखाया मुझे, इसका प्रतिफल आप दोगे प्रभु, आप दोगे प्रभु। यदि कोई अब तक गलती हो गई, कोई कमियां निकाली मैंने किसी प्रकार से, जो भी ऐसे व्यवहार किए, मुझे क्षमा कर। अपने प्रभु से, हमारे प्रभु से इस पल तक हर एक किए गए गलती, पाप, गुनाह, अपराधों की क्षमा मांगना दिल से कि प्रभु इस पल तक भी, कि मैं तेरे वचन को जानने के बाद भी मैं तेरे प्रेम को अच्छे से मेरे परिवार में, घर में, लोगों में, कलीसिया में, व्यवहार में, किसी भी जगह कहीं पर भी मैं तेरे प्रेम को अच्छे से प्रकट नहीं कर सका प्रभु, मुझे क्षमा कर, लेकिन मुझे मौका दे प्रभु, मुझे प्रभु आपको मौका देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि शैतान बहुत चालाक है। अगर गलती हो भी जाए, फिर से गिल्टी कॉन्शियस में मत पड़ना, गलती हो भी जाए तो तुरंत झट से खड़े होकर सॉरी बोल के माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना।
प्रेम बलिदान को दर्शाता है। अगर आप प्रेम करोगे, देखो प्रेम, सामने वाला अगर आपको झूठ बोलकर फंसा रहा है, अगर आपने सच बोला, चाहे भले ही आप फंस रहे थे, लेकिन ध्यान रखना जीत आप ही की होगी। सच बोलने के खातिर आप प्रेम प्रकट करोगे, जो प्रेम आपने परमेश्वर से किया, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज्ञा क्या है? तुम झूठ मत बोलो। अगर आप सच बोलोगे तो आपने परमेश्वर के वचन को इज्जत दिया। जब खुदा बाप के वचन को इज्जत दी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपकी इज्जत ना करे। ये सच्चाई है, वचन मेरे साथ हुआ है, परमेश्वर ने पूरा किया है। ध्यान रखना, परमेश्वर चौड़े में आपको उत्तर दिलाएगा, चौड़े में इज्जत मान सम्मान दिलाएगा, चाहे आपकी चार लोगों के बीच में बेइज्जती हुई है, लेकिन जब आप प्रेम करोगे, क्षमा करोगे, अपनी तरफ से अच्छा खाना पीना बनाकर दोगे, अच्छी अपनी तरफ से अच्छा पहनना ओढ़ना करवाओगे, करोगे एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करोगे, बेस्ट से बेस्ट अपनी तरफ से 100% अपनी तरफ से करके खाना खिलाना पिलाना करके, या अपनी तरफ से जैसे आप प्रेम प्रकट कर सकते हो कर्म के द्वारा करोगे ना, तो ध्यान रखना इसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। जो हो गया सो हो गया। प्रभु कहता है देख बीती बातों का स्मरण ना रहा, क्यों? अब सब कुछ नया हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। देख आज से तू अपने मन को नया कर। आज मैं तेरी जिंदगी में आता हूँ। आज जो मैं तेरे द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता था, यदि तू अपने हृदय का द्वार खोले, अपने अंदर की बुराइयों को निकाले, कड़वाहटों को निकाले जो तेरे किसी भी विरोधी के प्रति थी, तो मैं तेरे भीतर आऊँगा। निकालना जरूरी है, पहले अपने मन की कड़वाहटों को बुराइयों को निकाल। अपने आप को नम्र और दीन बनाकर मेरे भय में चला और मैं तेरे अंदर आके समाऊंगा। सोचो जब परमेश्वर का प्रेम आ गया तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वहां पर त्रिएक परमेश्वर का वास हो जाएगा। ये सच्चाई है। अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया है, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, अगर आपके पास कोई वरदान नहीं है ना, अगर आपके अंदर प्रेम है तो जो चमत्कार प्रेम कर सकता है ना उस समय, वो चमत्कार शायद वरदान से भी उस समय नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अगर आपके पास वरदान नहीं है ना, ऐसी गवाही हमने सुनी है, ऐसी गवाही हमने सुनी है जिसके पास चंगाई का वरदान नहीं है, लेकिन उसने जब वो दिल से खुदा से प्यार करता है और प्यार करने की खातिर उसके दिल में खतरनाक प्यार वाला बोझ आया, जब उसने दूसरे के लिए आंसू बहाकर दिल से प्रार्थना करी, अपने मन में से कड़वाहट निकाल कर, तो सामने वाले की जिंदगी बदल गई, चमत्कार हो गया, वो फेवर में आ गया, वो विश्वास में आ गया, उसने उद्धार पा लिया। सोचो जरूरी नहीं है कि आपको वरदान मिले हो तभी आप चंगाई छुटकारा आश्चर्य कर्म कर सकते हो, बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है ना, तब भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो देखो पढ़ सकते हो कि अगर हम पढ़े, यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, जब यीशु मर के जी उठा, यीशु मसीह जब 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, फिर उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद पतरस और यहुन्ना ने भी प्रचार किया। जब प्रचार किया प्रेम के खातिर, उन्होंने उस मंदिर के बाहर पड़े हुए लंगड़े भिखारी को प्रेम के खातिर उसको उठाया, देख हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है ना वो मैं आज तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से हाथ पकड़, उठ खड़ा हो और इसी समय चल फिर, प्रेम करने के खातिर। क्यों? मन में एक बेचैनी आई, दया आई, जो दया यीशु में काम करती थी वो दया पतरस और पौलुस और याकूब, पौलुस पतरस जो भी ये लोग थे, इनमें प्रकट हुई, इनमें ट्रांसफर हुई। और अगर हम वरदानों के बारे में पढ़ें, वरदान तो बाद में आए हैं, अगर हम पढ़ें तो कुरंथियों में जो पौलुस ने लिखे हैं, और पौलुस तो काफ़ी लंबे टाइम बाद विश्वास में आया था, पहले चेले थे, पहले प्रेरित लोग थे, प्रेरित लोग के बाद यीशु मसीह विश्वास में आया था, जब यीशु मसीह जिंदा आसमान में उठा लिए गए थे, उसके बाद यीशु मसीह दोबारा से उसके बाद यीशु मसीह ने मतलब एनकाउंटर किया था पौलुस के साथ, जब पौलुस घोड़े पर जा रहा था यीशु के लोगों को सताने के लिए, कलीसिया को सताने के लिए, उस समय यीशु मसीह ने दोबारा से यीशु पौलुस को एक दर्शन दिया था, वो सिचुएशन अलग है। समझना इस बात को, प्रभु एक बात कहना चाहता है, प्रेम, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर। अगर प्रेम है ना तो उन वरदानों को आप पाओगे, प्रेम है सामर्थ में परिपूर्ण हो जाओगे, प्रेम है अभिषेक में बढ़ोगे, प्रेम है ताकत में बढ़ोगे, प्रेम है अनुग्रह में बढ़ोगे, प्रेम है वचन की परिपूर्णता आएगी, प्रेम है बुद्धि और आत्मा में परिपूर्ण हो जाओगे, प्रेम है तो बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ठहरा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो प्रभु है, परमेश्वर का प्रेम है तो यीशु मसीह को परमेश्वर पिता आपके ऊपर आपके अंदर प्रकट करेगा। ये सच्चाई है। अब सोचकर देखो, दो भाई हैं, एक है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन बैर कर रहा है, दुनिया भर के बैर कर रहा है। हालांकि चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं उसकी जिंदगी में से, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, इसलिए उसके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन जब उसको उसके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर ये है, चमत्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में पावर है, इसीलिए बड़े बड़े काम होते हैं। अगर हम जाने प्रेरितों के काम में, एक व्यक्ति ने दुष्टात्मा निकाली है,
लेकिन वो व्यक्ति पौलुस को देखकर निकालने की कोशिश कर रहा था कि पौलुस भी उसी नाम से दुष्टात्मा निकालता है। देखो उस व्यक्ति ने जब दुष्टात्मा निकालने की कोशिश करी यीशु के नाम से, दुष्टात्मा निकल तो गई, क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, लेकिन दुष्टात्मा का अटैक भी उसके ऊपर हो गया था। लेकिन इसमें एक बात प्रभु का आत्मा सिखाना चाहता है कि देखो अगर मैं बड़े बड़े काम कर लूँ, बड़े बड़े चमत्कार कर लूँ, अगर मैं प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी आपके सामने बताया था, पढ़ा था कि अगर मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूँ, पहाड़ों को भी उठा दूँ, अपनी देह जलने के लिए भी दे दूँ, बड़े बड़े चमत्कारों को कर दूँ, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात यहाँ पर प्रभु का आत्मा बताना चाहता है, यदि मैं प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो दो भाई हैं, एक भाई को बहुत वरदान और सामर्थ्य मिला हुआ है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं उसके द्वारा, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, घर के अंदर किसी से प्रेम नहीं रखता है, कड़वाहट है, और किसी को माफ़ नहीं कर रहा है, किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है, क्रोध भी भरा हुआ है उसके अंदर। लेकिन जब वो उसके लिए कोई उसके पास कोई फ़ोन करता है प्रार्थना के लिए, वो कहीं पर कलीसिया में जाता है, तो उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, है ना। लेकिन उसी का एक दूसरा भाई भी है जो बड़ा है या छोटा, कोई भी मान लो, लेकिन जब वो दूसरा वाला भाई है वो भी वचन को जानता है। अब उसके उसके अंदर क्या है, उसके उसके पास वरदान वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। वो सबसे नम्रता, दीनता से, प्रेम से, प्रेम वाले स्वभाव से मतलब बातचीत करता है, वो सच में उसके अंदर प्रेम भरा हुआ भी है। तो परमेश्वर की दृष्टि में कौन भला होगा, आप इसको अपने बात से सोच कर देखना। अब मुझे नहीं पता आप किस प्रकार से सोच रहे हो, लेकिन जानकर देखना इसको। अगर प्रभु के चश्मे से देखा जाए कि प्रभु की दृष्टि में कौन धर्मी है, प्रभु की दृष्टि में कौन धर्मी है, पहला तो वो है जो दूसरों को चंगा कर रहा है, आशीष दूसरों के लिए बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, दूसरों को मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, गूंगों को जुबान दे रहा है, वो वाला धर्मी है, या फिर वो धर्मी है जो एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार करता है, कर्म करके भी दिखाता है, और कभी किसी के लिए अपने मन में नफरत नहीं रखी है। सोच कर देखना इन दोनों में से कौन सा धर्मी है परमेश्वर की दृष्टि में। देखो अगर हम प्रभु की दृष्टि से देखे जाएं, अगर वचन से इसकी चीज़ को जांचे, तो वचन हमें साफ बताता है वो धर्मी है जो दूसरे नंबर का भाई है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहला कुरंथियों का 13वां अध्याय पढ़ें तो प्रभु ने साफ बोल दिया, अगर मैं बड़ी बड़ी भाषाएं बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, अगर मेरे विश्वास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हों, बड़े बड़े चमत्कार हों, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने, शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली हों, पहाड़ों को हटा दूं, बड़े बड़े चमत्कार करूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रभु की सेवा है, प्रभु किसी को भी चंगा करना चाहता है तो किसी के भी द्वारा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि प्रभु की सेवा रुक नहीं सकती। प्रभु ने कहा है कि जो जंगली बीज हैं अब इनको बढ़ने दो, अगर इसी समय अगर उनको काटा पीटी करी तो उनके साथ साथ अच्छे बीज भी उखाड़ दिए जाएंगे। इसलिए अभी अच्छे सही बीज को, अच्छी खेती को, जंगली खेती को अभी उपजने दो, बढ़ने दो, एक समय आएगा मैं इनकी कटाई करूँगा। वो समय इसलिए कटिंग करूँगा ताकि जब मैं इनकी कटिंग करूँ, जब मैं इनकी कटाई छटाई करूँ, तो जंगली बीज जब काटूँ तो सिर्फ जंगली ही कटें, उनके साथ कोई अच्छा वाला बीज ना खटने पाए, उनके साथ कोई अच्छी वाली फसल ना कटने पाए। अच्छी फसल को मैं अलग करूँ और जंगली फसल को मैं अलग करूँ, हर चीज़ का एक सही समय रखा है। समझने की कोशिश करना, प्रभु का आत्मा बहुत गहरी बात बोलना चाहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये सच्चाई है, पास्टर बैनिन जी के बारे में हम जान सकते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, कोट हिलाते थे, कितने लोग गिरते थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार, माइटी मिरेकल्स होते थे उनके द्वारा, होते हैं आज भी। लेकिन एक ऐसा समय आया, उनका रिश्ता उनकी वाइफ के साथ थोड़ा सही नहीं रहा और डिवोर्स हो गया। कुछ कंडीशंस ऐसी हुई उनकी ज़िंदगी में, डिवोर्स हो गया, उनकी वाइफ उनसे दूर, और लेकिन फिर भी उनके ज़िंदगी के द्वारा ऐसा सामर्थ्य बहता था, फिर भी सामर्थ्य काम होते थे। क्यों हो रहे सामर्थ्य काम? क्योंकि खुदा के पास, खुदा के भवन में जो भेड़ें आ रही हैं, खुदा उनकी तो देखभाल करेगा ना, इस बात को सोचो आप। चाहे जो पास्टर है, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी है, लेकिन भेड़ों को तो परमेश्वर बचाएगा ना, भेड़ों को बचाने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है वो, समझना इस बात को। हालांकि जब बैनी हिंजी का रिश्ता उनकी वाइफ के साथ खत्म हो चुका था, उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, लेकिन उस समय भी बैनी हिंजी के अंदर दान और वरदान सामर्थ्य रूप से काम करते थे, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है, और लोगों को लगता था कि अरे ये तो बहुत सामर्थ्य है, प्रभु तो उसके आमने सामने बात करते होंगे, ये तो बहुत पावरफुल पास्टर है, इनके साथ तो प्रभु की प्रेजेंस रहती है। हाँ भाई रहती है,
लेकिन वचन में एक बात लिखी है कि सारे हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और पास्टर बेनी इन जी को जब एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हुई थी, वो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई थी उनकी, तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रभु ने उनको दर्शन दिखाया, वो स्वर्ग की लाइन में खड़े हुए और स्वर्ग में परमेश्वर ने उनको एंट्री नहीं आने दी थी। प्रभु ने कहा था, नहीं बेनी, मैं तुझे एक सेकेंड चांस दे रहा हूँ, जा तू मेल मिलाप कर, मैं अपने वचन से बता हुआ हूँ। परमेश्वर ने साफ बोल दिया था, बेनी आई जस्ट गिव यू द सेकेंड चांस, मैं तुझे सेकेंड चांस दे रहा हूँ। बेनी हिंजी को आत्मा में परमेश्वर ने दिखाया, वो हॉस्पिटल के बेड पर थे, वो हॉस्पिटल में थे, जैसे ही वो उनको होश आया तो परमेश्वर की अनुग्रह से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप किया। क्यों? क्योंकि जो प्रेम उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने दिखाना बंद कर दिया था या जो उन्होंने डिवोर्स कर दिया था, उस बात के कारण परमेश्वर उनके साथ खुश नहीं था। भले ही उनके साथ रहता था कि दूसरों की जिंदगी में चमत्कार हो, लेकिन प्रभु उनके साथ खुश नहीं था। आज भले ही हमें आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत मिल रही है, तो एक बार प्रभु से पूछना, क्या खुदा तू मुझसे खुश है आज या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे बता, मैं क्या करूं? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, उन गहरी बातों को जानना जरूरी। प्रभु का आत्मा जब से कहता है कि किसी के हाव भाव, किसी की पर्सनैलिटी, किसी की लुकिंग, किसी के ड्रेसिंग सेंस को देखकर जज मत करना कि हाँ इसके साथ प्रभु का आत्मा बात करता है। हमें फलों से पहचानना है, इन बातों को समझना जरूरी है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम उनको फलों से पहचान लोगे। फलों से पहचानो, वचन से परखो, टेस्ट करो, ठीक है मेरे भाई और बहनों। और प्रभु ने उनको जब सेकंड चांस दिया, तो जब उनकी आँख खुली, उनको परमेश्वर ने नई जिंदगी दी, वो फिर से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ के साथ फिर से रिश्ता अच्छा किया और उन्होंने इस बात की गवाही दी, वरन पूरे वर्ल्ड में इस बात को लेकर कई जगह प्रचार भी हुआ किया गया। हमारे पास इस चीज़ का एक फोटो भी आया था जिसमें उनकी एक गवाही लिखी हुई थी। मतलब लोगों को लगता था, उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि लोगों को लगता था कि मेरे साथ प्रभु काम कर रहा है, लेकिन ये वो लोग सोचते थे, लेकिन हकीकत तो मैं जानता था। ये उनको भी लगता था कि प्रभु मेरे साथ काम कर रहा है तो उसका मतलब प्रभु खुश है, ये उनको भी लगता था, लोगों को भी लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लेकिन जब वो आत्मा में, जब स्वर्ग के लाइन में खड़े हुए थे, तो प्रभु ने उनको कह दिया था, बेनी मैं तुझे सेकंड चांस देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेम ना करने के कारण, प्रेम की कमी के कारण, ना माफी, कड़वाहट के कारण एक इंसान दूसरे से इंसान से अलग हो जाता है। डिवोर्स का मतलब क्या होता है? रिश्ता तोड़ लेना। और खुदा का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञा क्या है? कि स्त्री त्याग से मैं नफरत करता हूँ, तुम्हें स्त्री को नहीं त्यागना है, अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि वो अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनके साथ ऐसी ऐसी कंडीशंस हुई। लेकिन खुदा ने उनको एक मौका दिया। ये मत सोचना कि बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं तो खुदा हमसे बात कर रहा है, हमारे साथ है। हाँ, बात करता है। मूसा से बात करी, मूसा के साथ आमने सामने बात करी, लेकिन मूसा भी प्रॉमिस लाइन में नहीं जा पाया था। इस बात को कभी मत भूलना। मूसा भी उस वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया था। सिर्फ 25 से 30 लाख इसराइलियों में से सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे उसके अंदर। 2 लोग, छोटी बात नहीं है। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम, मैं भी कहता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ खुदा हम सबको परफेक्ट बना, सिद्ध बना, जहाँ हम गलत है मैं करेक्ट कर। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर से उस प्रेम की ज़रूरत है जिसके द्वारा हम अपनी सारी हदों को मजबूत करें। प्रेम एक ऐसी जड़ है, प्रेम एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर कितनी भी ऊँची बिल्डिंग खड़ी कर दो, नहीं गिर सकती। बड़ी बड़ी बाढ़ें आए, आंधी तूफान आए, वो उसको ना गिरा सकेगी, क्योंकि यहोवा जब जड़ बना है तो किसकी औकात है कि उस घर को हिला दे। क्योंकि लिखा है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहोवा के बनाने का मतलब है उस घर के अंदर परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर का प्रेम होना। जड़ नींव मतलब परमेश्वर की वचन होना। जड़ मतलब नींव मतलब परमेश्वर की वचन होना, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। यदि जाने जाने में किसी पर दोष लगाए, प्रभु उन्हें क्षमा करें। लेकिन ये बातें हमें सिखाती हैं, ये अनुभव देती हैं कि हम दूसरों के समान किसी की मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर सीख ले, ताकि हम ठोकर ना खाएं, हमारा समय बर्बाद ना हो। अब बचा कितना है हमारे पास समय कि हम बर्बाद करें? अब कितना कुछ खोएंगे हम? पहले से हमने बहुत कुछ खो दिया था, अब और कुछ नहीं है मेरे भाई मेरी बहन खोने के लिए हमारे पास। इसीलिए आज प्रभु से दिल से रिपेंट करना, बोलना, प्रभु तू मुझे अपने प्रेम से भर। अगर प्रेम होगा ना तो खुदा मेरे सामने बात करेगा, सिखाएगा, समझाएगा, याद दिलाएगा, बोलेगा, बतलाएगा, टूटे से जुड़ेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, सोचो समझ से परे होंगे, जो कभी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना, आपके मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर अपनों से प्रेम करने वालों के लिए करेगा, हर एक जन के लिए नहीं कह रहा है वो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की।
ध्यान रखना इन तीन बातों को अपनी प्रार्थना में जरूर मांगना। सबसे पहला, प्रभु मुझे तू अपने डर से भर। दूसरा, प्रभु मुझे अपनी नम्रता और दीनता से भर। तीसरा, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर, पवित्र प्रेम से भर। ठीक है, और जब इन चीज़ों को मांगो, मांगने के साथ साथ आपको ये मांगना है, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह दे ताकि मैं इनमें बना रहूँ और बढ़ता जाऊँ। ठीक है, और इन बातों को भूलना मत। जब आप प्रार्थना करके हटते हो तो शैतान इन चीज़ों को जानता है, तो उसकी चालों से अनजान मत रहना। कहीं वो आपको प्रार्थना करने के बाद कहीं आपको इन चीज़ों में उलझाए ना, कहीं आपसे गलती ना होने पाए। अगर गलती हो भी गई तो माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना। उन चीज़ों में अटके मत रहना, फटके मत रहना। गलत हो भी जाए तुरंत सॉरी बोलकर, तुरंत माफ़ी मांगकर, तुरंत झट से घुटनों के बल आकर सॉरी बोल के प्रभु से सॉरी चीज़ें, सामने वाले को सॉरी बोलना, सॉरी बोलकर उस बात को ढांप देना, चाहे सामने वाला माफ़ करे या ना करे, उसी समय माफ़ी मांग लेना। ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप मत देना, ज़्यादा बातों करने का ज़्यादा समय मत लगाना, इससे पहले कि शैतान कड़वे बीज बोकर जाए। ठीक है, इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि अनुभव है इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि प्रभु की आत्मा ने जब चीज़ें सिखाई हैं दूसरों की ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगियों में भी हुए हैं। ठीक है, तो अगर जिस किसी भाई बहन ने परमेश्वर के डर वाली और नम्रता दीनता वाली वीडियो नहीं देखे तो पिछली आज की कल की वीडियो और परसों की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु आशीष जाग सभी को। चैमसी की।